अनुपमा बची मरते मरते। जी हाँ वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड आपको अनुपमा का बहुत ही अमेजिंग और ट्विस्ट वाला देखने को मिलेगा। और वहीं एक तरफ आपको अपकमिंग एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि अनुपमा बच चुकी है मरते मरते। जी हाँ वेल हुआ कुछ ये, यानी कि अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि फाइनली अनुपमा होती है कहीं रास्ते में जा रही होती है, तो ही एक तरफ एक कार आ रही होती है और वो कार अनुपमा का ठोकने वाली होती है और वैसे ही अनुपमा बच जाती है। जी हाँ कल हुआ कुछ ये, यानी कि अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि फाइनली कार आ रही होती है और अनुपमा का ठोकने वाली होती है, वैसे ही बच जाती है और उस कार के अंदर और कोई भी नहीं अनुज और श्रुति होती है। जी हाँ श्रुति और अनुज होते हैं उस कार के अंदर। और वहीं एक तरफ अनुपमा को देख के रानुज बोलता है कि तुम यहाँ पे कैसे, तुम ही। एक तरफ अनुपमा बोलती है कि मैं यहाँ पे काम के लिए आई थी, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं यहाँ पे आई थी, मेरा कॉम्पिटिशन है ना, उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे कुछ चीजें चाहिए थी, तो वहाँ यहाँ से मैं बाय कर रही थी। तो वहीं एक तरफ अनुज बोलता है कि आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर जाऊँ और फाइनली अनुपमा को अनुज अपने कार के अंदर बैठा लेता है। तो वहीं एक तरफ श्रुति और अनुज होता है और साथ ही साथ अनुपमा भी होती है। और वहीं एक तरफ श्रुति बोल रही होती है अनुपमा को कि मैंने सुना है स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट बंद होने वाला है, तुम्हारा तो अब पूरा का पूरा धंधा ही बंद होने वाला है। तो वहीं एक तरफ अनुपमा बोलती है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है जिससे कि ये हमें बंद करना पड़ सकता है। तो वहीं एक तरफ श्रुति बोलती है कि ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें बंद करना पड़ सकता है, अगर ये बंद हो गया तो तुम्हारा तो पूरा धंधा ही बंद हो जाएगा और तुम्हें वापस इंडिया जाना पड़ जाएगा। तो वहीं एक तरफ अनुपमा बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं अभी इंटरनेशनल शेफ कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करी हूँ और मैं पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि मैं इसको जीत भी सकती हूँ। जी हाँ ऐसे बोलने लग जाती है अनुपमा श्रुति को। तो वहीं एक तरफ इस चीज को देखने के बाद अनुज का भी दिल थोड़ा बहुत पिघल जाता है अनुपमा के लिए। वेल वैसे आपको पता होगा कि अनुज ने जसदीप से डील की थी स्पाइस एंड चटनी खरीदने की। वेल अब देखना यह हुआ कि ये डील फाइनेंस होती है या फिर नहीं, यानी कि कंफर्म होता है ये डील या फिर नहीं। वेल वैसे आपको क्या लगता है क्या होने वाला है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, तो वो आप हमें कॉमेंट कर बता सकते हो। और ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, समझ दिखने वीडियो और टिकने अपडेट के साथ। बाय बाय।